सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ शुभ नेगी एस्ट्रो बॉय। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम ग्रीक माइथोलॉजिकल के गॉड्स के नेम और उनके प्लैनेटरी नेम्स के बारे में जानने वाले हैं। सो गाइस यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मेरे ये वाला वीडियो पूरे एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत सन से ही होता है, तो हम सन से ही स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी में सन को हेलियोस कहा जाता था। हेलियोस को भविष्यवाणी और सौर के देवता माने जाते थे। हेलियोस का मतलब ही सन होता है। तो नंबर फर्स्ट में आता है मर्क्यूरी। ग्रीक माइथोलॉजी में मर्क्यूरी को हर्मस कहा जाता था। हर्मस को यात्रा, वाणिज्य और मैसेंजर्स ऑफ द गॉड माने जाते थे। और ये भी जान लीजिए कि क्यों कहा जाता था। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में आपने नारद मुनि का नाम तो सुना ही होगा। नारद मुनि हर सारी की सारी खबर भगवानों तक पहुंचाते थे। ठीक वैसे ही हर्मस भी अपने सारे खबर भगवानों तक पहुंचाते थे। नंबर सेकेंड में आता है वीनस। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार वीनस को एफ्रोडाइट कहा जाता था। एफ्रोडाइट को प्यार और खूबसूरती की देवी मानी जाती थी। नंबर थर्ड में आता है अर्थ। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार अर्थ को गाया गॉडेसेस कहा जाता था। वैसे इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो है नहीं, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में अर्थ को भी एक देवी के रूप में लिया गया था। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट यानी मून को भी ग्रीक माइथोलॉजी में क्या कहा जाता था। तो ग्रीक माइथोलॉजी में मून को सेलेन गॉडेसेस कहा जाता था। सेलेन को शिकार और चंद्र अवतार की देवी मानी जाती थी। सेलेन का अर्थ ही चंद्रमा है। नंबर फोर्थ में आता है मार्स। तो मार्स को ग्रीक माइथोलॉजी में एरिस कहा जाता था। एरिस को सिर्फ युद्ध के देवता माने जाते थे बस। नंबर फिफ्थ में आता है जुपिटर। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जुपिटर को जियोस कहा जाता था। जियोस को ओलंपियन देवताओं के लीडर, किंग या फादर कुछ भी कहा जाता था। जुपिटर का अर्थ जोवियल किंग है और फादर ऑफ थंडर भी कहा जा सकता है। और नंबर सिक्स्थ में आता है सैटर्न। सो ग्रीक माइथोलॉजी में सैटर्न को क्रोनस कहा जाता था। क्रोनस को कृषि के देवता और टाइटन, जो कि सैटर्न को जो सबसे बड़ा मून है, उसके नेता और शासक माने जाते थे। सैटर्न का अर्थ ही बीजों और फसलों का देवता है। और हाँ, सैटर्न और जुपिटर का बेटा है, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में। नंबर सेवन्थ में आता है यूरेनस। तो ग्रीक माइथोलॉजी में यूरेनस को ओरनस कहा जाता था। ओरनस को आसमान के देवता माने जाते थे, क्योंकि यूरेनस का अर्थ ही आसमान है। और एक फैक्ट, यूरेनस सैटर्न का बेटा है और जुपिटर का पोता है, यानी जुपिटर यूरेनस के ग्रैंडफादर हैं और सैटर्न यूरेनस के फादर हैं। और अब आखिर में आता है नेपच्यून। नेपच्यून को ग्रीक माइथोलॉजी में पोसियोडन कहा जाता था। इनके बारे में कुछ ज़्यादा इतने इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है नहीं, लेकिन पोसियोडन को समुद्र के देवता माने जाते थे। सो गाइस, आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।